हाय फ्रेंड्स, फूड की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए किस किस ने इस फल को खाया और देखा है मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बहुत ही ये फायदेमंद होता है। इसमें जो है B2 विटामिन, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम आदि पाया जाता है। ये मलेरिया, सीने में दर्द, सर दर्द, आँखों में जलन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको मार्केट से लाने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए। 2-3 पानी आपको धोना है कि ये बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए तीसरे पानी धोने पर कितना इसमें चमक आ गया है और ये अच्छी तरह से ये साफ हो चुका है। अब एक भगोना लीजिए, ये 500 ग्राम करीब है, और इसको भगोने में 250 ग्राम पानी डालिए और डाल करके इसको अच्छी तरह से 15 मिनट के लिए बॉयल कर लीजिए। 15 मिनट बाद इसको थोड़ा सा दबा करके देख लीजिए। अगर ये दब जाता है तो समझ लीजिए कि आपका ये गुलर तैयार हो चुका है। इसको तैयार होने के बाद इसका पानी और गुलर दोनों अलग अलग कर लीजिए। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दबाने के बाद देखिए ये दब रहा है, इसका मतलब है कि ये गुलर बन करके तैयार हो चुका है। इसका नाम गुलर है और इसकी मैं आपको दो रेसिपी बनाना बताऊंगी। देखिए ठंडा हो चुका है, हाथ से मसल के देखिए हम मसला जा रहा है। अब इसको अलग रख दीजिए। फिर खलबट्टा लीजिए, उसमें लहसुन लीजिए, अदरक लीजिए, हरी मिर्च लीजिए और थोड़ा सा जीरा डाल करके कूट लीजिए। फिर आधा पीस कटा हुआ हाफ हाफ पीस में गुलर है और इसको इसमें डाल दीजिए। पानी बिल्कुल देखिए नहीं है, इसका पानी अलग कर दिया गया है। अच्छी तरह से इसको कूट लीजिए। कूटने के बाद एक प्लेट में या बाउल में इसको निकाल लीजिए। निकाल करके इसमें एक चम्मच अदरक और एक चम्मच आयल, एक चम्मच नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन ऊपर से और कटा हुआ डाल दीजिए, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आयल डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। मस्टर्ड आयल डालना है। देखिए गुलर का टेस्टी भरता बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाती हैं तो इसको स्किप कर सकती हैं। एक प्याज भी छोटा छोटा काट करके डाल दीजिए। कितना बढ़िया ये टेस्टी गुलर का ये चोखा बन करके तैयार हो चुका है। इसे दाल चावल रोटी सब्जी के साथ आप परोस सकती हैं। ये पेट के लिए, खासकर बवासीर वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब दूसरी रेसिपी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें मस्टर्ड आयल डालिए, ज़ीरा डालिए। जब वो चटकने लगे तो उसमें एक टमाटर, एक प्याज डाल दीजिए और एक हरी मिर्च डाल करके उसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालिए और एक ही चम्मच आपको मिक्स मसाला डालना है। इस मसाले में सारे मसाले मिले हुए हैं और एक चम्मच नमक डालिए। डाल करके इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। ये मसाला बहुत ही जल्दी भून जाता है। ढक दीजिए एक मिनट के लिए। देखिए कितना अच्छा ये तेल छोड़ चुका है और मसाला आपका तैयार हो चुका है। अब कटा हुआ गुलर भी इसमें आप ऐड कर दीजिए और डाल करके उसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लीजिए। जब इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगे और आपको लगे कि अच्छी तरह से भून गया है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, मन कर रहा है कि आप कढ़ाई में से उसको निकाल के खा लीजिए, तब इसमें थोड़ा सा आप पानी ऐड कर दीजिए। आधा कटोरी पानी ऐड करिए और डाल करके इसको ढक दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट तो ये है ही है, थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और एक एक गुलर में सारे मसाले और नमक अच्छी तरह से भीन जाएंगे खोलने के बाद। अब इसको एक बाउल में निकालिए और निकाल करके इसको सर्व करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप गुलर की सब्जी और गुलर का भरता बना करके अवश्य खाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा।